कृष्णाचार्य जी यहाँ से यात्रा के लिए रवाना हुए और इस सफल यात्रा के बाद इसी रामघाट पर पहुंचे हैं। वो कैमरामैन के आंखों में से भी आंसू आ रहे थे जिस समय भगवान की छवि खुली। जगत के स्वामी होने के बाद भी अपने घर में आने के लिए 450 वर्ष आपने प्रतीक्षा की। यही हमारा राम राज्य है, यही हमारे भगवान राम की कल्पना है। ऐसा सुंदर चरित्र आपको किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी मत में, किसी पंथ में देखने को मिल ही नहीं सकता है। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभी यहाँ से ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ भूत भावन विराजेंगे, फिर उसके बाद में मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण विराजेंगे, फिर उसके बाद में देखिए ये ध्वजा पताका आरंभ हुई है कहाँ तक जाती है। ग्रहों को तोड़ा गया है वो सब हमारे पुनर्स्थापित होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस मेवाड़ के नेतृत्व के तौर पर महंत सुदर्शनाचार्य जी यहां से यात्रा के लिए रवाना हुए और इस सफल यात्रा के बाद इसी रामघाट पर पहुंचे हैं। हम जानते हैं किस तरह की यात्रा रही है, जिस तरह से मेवाड़ से ही यात्रा शुरू की और प्रतिनिधित्व भी मेवाड़ का ही किया है, क्या कहना है? सबसे पहले सभी सनातनियों को जय जय श्री राम। राम भगवान विराजमान हो चुके हैं 492 वर्ष की लंबी तपश्चर्या के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, और 22 जनवरी को भगवान राम सुप्रतिष्ठित हुए, जिस अवसर पर मुझे भी वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। मेवाड़ की ओर से मैं गया तो मैंने अपनी यात्रा जगदीश भगवान के चरणों में से आरंभ की थी, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की राजधानी कह सकते हैं, और यहाँ के उदयपुर के राजा, वैसे पूरे जगत के राजा जगदीश भगवान ही हैं, और उनसे हमारा बहुत स्नेह रहा है, ठाकुर जी से ज़्यादा ही। कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो हम उन्हीं के चरणों में से करते हैं, तो हमने ये राम मंदिर की अयोध्या की यात्रा उन्हीं के चरणों से आरंभ की थी, और आज पुनः आज ही मैं सीधा अयोध्या से आ रहा हूँ जी, सीधा बिना रुके अयोध्या से आ रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के पश्चात अयोध्या और प्रयाग होते हुए, और आज मैंने जगदीश भगवान के चरणों में उनको यात्रा का सारा दर्शन निवेदित किया, उनको अर्पण किया। अब इस अनुभव को मैं वर्णन नहीं कर सकता, आप कल्पना कीजिए और आप समझिए कि वहाँ जब भगवान राम विराजमान हो रहे थे तो वहाँ भारत की सभी हस्तियाँ थीं, सभी बड़े संत थे, लेकिन वहाँ राम जी के दरबार में सब एक ही पंक्ति में थे, एक ही पंक्ति में, हम हों चाहे वो हों, सब एक ही साथ खड़े थे और एक ही पंक्ति में। हम लोगों ने 7,000 लोग ही थे उस दिन, हम लोगों ने दर्शन किए भगवान राम के चरणों के, जब दर्शन प्राप्त हुए नेत्र थोड़ा सजल, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था, घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे भगवान की प्रतिष्ठा को, वो कैमरामैन के आंखों में से भी आंसू आ रहे थे जिस समय भगवान की छवि खुली, क्योंकि स्मरण ये आ रहा था कि बाहरे राम भगवान जगत के स्वामी होने के बाद भी अपने घर में आने के लिए 450 वर्ष आपने प्रतीक्षा की, आप जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, आप जैसा धैर्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। जगत के स्वामी है, जगत नियंता, जगदाधार, कर्तुम अकर्तुम मन्यथान कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर, गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जो अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी कर दें तो सागर उबलने लग जाते हैं और सुनामी आ जाती है, जो मुस्कुरा दें तो सृष्टि का सृजन पालन हो जाता है, जो गंभीर हो तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। और ऐसे भगवान राम अपने भवन में आने के लिए 450 वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, और बड़ी धैर्य से, बड़ी मर्यादा से, बड़ी निष्ठा से, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को इस घोर कलयुग में अपनाते हुए, बहुत बड़ी बात है, घोर कलयुग में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए और भगवान राम अपने भवन में प्रवेश करते हैं। यही हमारा राम राज्य है, यही हमारे भगवान राम की कल्पना है। ऐसा सुंदर चरित्र आपको किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी मत में, किसी पंथ में देखने को मिल ही नहीं सकता है। महाराज जी, जो 84 सेकंड का मुहूर्त था
इतिहास बन चुका है। उस इतिहास को, उस मूर्त को हम देखते हैं तो किस तरह की अनुभूति संत समाज में देखी जा रही थी? देखिए, भगवान राम जिस समय त्रेता युग में पधारे थे तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभिजित मुहूर्त था, दिन के ठीक 12 बज रहे थे, 12 बजने का ही समय था और चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी। वो कलयुग में भगवान राम स्वयं प्रकट होकर के पधारे थे और आज यहाँ भगवान राम के विग्रह की प्रतिष्ठा करनी थी। तो विग्रह की प्रतिष्ठा में ज्योतिष के बहुत गुणा भाग देखे जाते हैं। जिन्होंने मुहूर्त बताया वो भी मेरे साथ थे, उनका भी मेरे साथ में फोटो वीडियो है। जिन्होंने सारी प्रतिष्ठा अंदर मंदिर गर्भगृह में की और जिन्होंने मुहूर्त निकाला, आचार्य गणेश द्रविण, और आचार्य गणेश द्रविण तो ज्योतिषाचार्य के रूप में वहाँ रहे अंदर, और सुनील दीक्षित जी काशी के, वो प्रतिष्ठा के सारे उपक्रम में अंदर रहे, वो भी हमारे साथ वहाँ। चंपत राय जी भी हमारे साथ वहाँ रहे, उनका भी सब स्मृतियाँ हमारे पास है अयोध्या की। तो अब ये मुहूर्त, भगवान तो जब पधार जाएं वो मुहूर्त अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान का आगमन ही अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। गर्भ, सांख्य शास्त्र में लिखा है कि गर्भ जो होता है, पुनरपजन्मम, बार बार गर्भ से आने से छूटे, इसलिए पुण्य करना चाहिए। लेकिन उसी गर्भ की स्तुति जब भगवान कृष्ण पधारे थे तो देवताओं ने की थी, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सियोनि निहतम सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान जिस जगह आ जाएं, भगवान जिस समय आ जाएं, भगवान जिस क्षेत्र में आ जाएं, वो अपने आप पुण्यमय हो जाता है, अपने आप शुद्ध हो जाता है, अपने आप ऐतिहासिक और हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला अमर हो जाता है। महाराज जी, जिस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया उसके बाद में मूर्तिकार का खुद का ये कहना है कि मैंने जो मूर्ति बनाई है, हाँ, ये मूर्ति तो वो लग ही नहीं रही है, तो कुछ अलग ही स्वरूप में है, क्या कहते हैं संत सब? हाँ, वो योगी आचार्य वहीं थे, हमारे साथ में ही थे और वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के इस बात को कह रहे थे कि 7 महीने तक मैंने इस विग्रह को बनाया और उसके बाद में गर्भगृह में जमाने तक, उसको प्रतिष्ठा रहने तक मैं उन्हीं के आसपास रहा। लेकिन जिस समय सुप्रतिष्ठित होकर के वेद मंत्रों के द्वारा, नारद आगम पांचरात्र विधि के द्वारा और वैदिक मंत्रों के यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा जब मंत्री मूर्ति विग्रह को सुप्रतिष्ठित किया गया, उसके बाद जो पर्दा खुला है वो दृश्य सभी के लिए अलौकिक है। अमिताभ बच्चन से लेकर के बड़े बड़े संत हों, चाहे गाने वाले पार्श्व गायक हों, सभी रोने लग गए, न जाने क्या हुआ। हम सब वहाँ, जो भी कोई था, सिक्योरिटी में लगे कम से कम 10,000 सैनिक थे, वो सब भी रोने लग गए थे जिस क्षण भगवान का पर्दा खुला था मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद। और वो योगी राज जिनका नाम है, जिन्होंने मूर्ति बनाई है, द्रविण के दक्षिण के हैं, वो तो कह रहे हैं ये वो मूर्ति अब लग ही नहीं रही है, ये तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग से उतर कर के कोई विग्रह आया हो। एक बात मैं और जोड़ दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं बात संक्षिप्त में सारी हो, राम मंदिर शुरुआत है, ये राम मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद अंत नहीं हुआ है कि खत्म, नहीं, ये शुरुआत हुई है। अब राम मंदिर के बाद नंबर है ज्ञानवापी का, बिल्कुल आरंभ है, बस योगी जी लग चुके हैं, और उसके बाद नंबर है हमारे मथुरा का, बस। तो ये भी शुरुआत हुई है, अभी यहाँ से ज्ञानवापी में भगवान भोलेनाथ भूत भावन विराजेंगे, फिर उसके बाद में मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण विराजेंगे, फिर उसके बाद में देखिए ये ध्वजा पताका आरंभ हुई है कहाँ तक जाती है। बिल्कुल नितान सत्य कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे विग्रहों को तोड़ा गया है वो सब हमारे पुनर्स्थापित होंगे। हमारे महाराज जी जब मेवाड़ से प्रतिनिधित्व करते हुए उस मूर्ति के समक्ष पहुँचे, किस तरह के भाव महाराज जी में देखे गए, किस तरह की भावना जो है वो भगवान के साथ जुड़ते हुए देखी? उसमें मैं मेवाड़ से गया था और भारत के और विश्व के सभी संत प्रतिष्ठित जो होते हैं सभी वहाँ थे और सभी प्रतिष्ठित लोग थे, सभी थे, अंबानी परिवार था, सब थे। लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वहाँ पर जब मैं गया, तो वहाँ सब एक बराबर थे। अंबानी है तो वो भी बगल में ही हमारे खड़े, अमिताभ हैं तो वो भी, एक बात एक बराबर सबने भगवान के दरबार, कोई ऊपर नीचे नहीं था, किसी के साथ स्पेशल सिक्योरिटी नहीं थी, सब एक ही। जिसके पास वो पत्रिका थी वो ऐतिहासिक हो गई, अब वो हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली पत्रिका हो गई। और बड़ा सुंदर अनुभव हो रहा था। मेवाड़ का मुझे स्मरण आया, नेत्र जब सजल हुए
इस धर्म के लिए मेवाड़ ने अपने प्राणों को आहुत किया है और कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने आप ही वहाँ के एक संत थे जिन्हें बोलने का मौका दिया गया मंच पर, उन्होंने शिवाजी को याद किया कि मोदी जी उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि साक्षात शिवाजी के स्वरूप में मोदी जी आ रहे हो, क्योंकि मंदिरों के लिए ये मंदिर कोई साधारण है क्या? विशेषकर कलयुग की इस लड़ाई में इस मंदिर को साधारण नहीं कह सकते। और 11 दिनों तक मोदी जी निर्जला थे। प्रतिष्ठा के लिए नियम होते हैं, उसमें गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान को बिठाने के लिए, लेकिन 11 दिनों तक मोदी जी निर्जला रह करके तब उन्होंने अपने हाथों से प्रतिष्ठा की और एक संत ने फिर उन्हें जल पिलाया, तब उनका व्रत खुला और तब वो संत कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वीर शिवाजी ही साक्षात धर्म की रक्षा के लिए आए हो और हमारे महाराणा प्रताप ही साक्षात धर्म की रक्षा के लिए आए हो। देखिए यात्रा की बात ऐसी है कि अयोध्या हमारा स्वयं का निज आश्रम है जी, प्राचीन और प्रतिष्ठित आश्रम है, तो अयोध्या में जाता रहता हूँ जी, प्रायः जाता रहता हूँ। लेकिन ये इस बार जो गया, जो राम जी ने बुलाया साक्षात, और राम जी को प्रतिष्ठित होने का उस स्वर्णिम अवसर का जो मुझे मौका मिला, ये आजीवन जब तक ये प्राण रहेंगे तब तक ये मुझे यादगार रहा। और ये इतने ऊपर तक पहुंच करके वहाँ 7,000 लोगों में लिस्ट में जाना, ये मेवाड़ वासियों के प्रेम के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ मैं गाए बगाए किसी भी धर्म सभा में रहता हूँ और किसी भी सनातन धर्म की बात को उच्च स्वर में उठाता हूँ। कन्हैया कांड हुआ था तब भी मैं यहाँ रहा था और मैंने उच्च स्वर में सबसे आगे मैं ही रहा, तो उसका ये प्रतिफल मुझे मिला परिश्रम का, श्रम का, कि मेवाड़ ने, मेवाड़ के संघ ने, चाहे BHP के लोगों ने मुझे देखा, भगवान राम की दृष्टि मेरे पे पड़ी, मैं गया। ये यात्रा मेरे लिए हमेशा के लिए ऐतिहासिक और यादगार यात्रा रही। अगर आप धर्म की रक्षा चाहते हैं, अगर आप भगवान राम का नाम लेना चाहते हैं, अगर आप मंदिरों का बचाव चाहते हैं, तो इसके लिए आपको धर्म संगमत सरकारें बिठानी पड़ेंगी, तो ही ऐसा हो पाएगा। तो ऐसा होना आवश्यक भी है कि अगर कोई धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, भगवान के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति किसी प्रकार का वक्तव्य देता है या कोई अनर्गल कार्य करता है, तो उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब हमारी सरकार धर्म सम्मत होगी। तो यहाँ लोगों को विचार करना चाहिए कि धर्म की रक्षा करनी है तो कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। चौपाई तो यह कि पूरा भारत उस समय राममय हो ही गया था। दर्शन के एक प्रसंग का मुझे स्मरण आ रहा है, जब भरत जी ने प्रथम बार राम जी के दर्शन किए थे चित्रकूट पे वनवास के बाद में, तो वो छिप करके देख रहे थे राम जी को। तो किसी ने पूछा कि भरत जी छिप के क्यों देख रहे हैं, तो फिर ये पंक्तियां हैं कुछ कि रघुराज बिलो की लिए जब ते तब नेहन देह समारन दे, तज धीरज बोली उठी बरुनी पग नीरज की रज धारण दे, पुत्री कहे सामने से हट जा, पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाय पखारन दे, और पलकें कहे झांप ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। इस समय भगवान राम के विग्रह को देख रहे थे। अब देखो भीड़ थी तो व्यवस्था संबंधी हमें वहां से हटना भी पड़ा जी। लेकिन देख रहे थे तब ऐसा ही लग रहा था कि देखते रहे, बस इनको देखते ही रहे। देखो मेवाड़ का रहना स्वाभाविक था जी। धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ ने जो किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जिन्होंने स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया, भले ही प्राणों को नछावर कर दिया, तो मेवाड़ों को तो सनातन धर्म के किसी कार्य में नकारा ही नहीं जा सकता है। और इसीलिए शायद कदाचित वहाँ के आयोजनकर्ताओं ने मेवाड़ को प्राथमिकता दी। मेवाड़ से सबसे ज़्यादा संत गए और मेवाड़ से राजघराने से दोनों पधारे और भी कन्या अतिथिगढ़ गए, तो मेवाड़ को सनातन धर्म में कभी कोई नकार ही नहीं सकता। आप ही के दिए पहले इंटरव्यू में तो आपने बॉलीवुड का भी जिक्र किया, सारी चीजें कर दी, तो अब तो बॉलीवुड भी छोड़ करके, फिल्में भी छोड़ करके युवा जो है धर्म सनातन के प्रति जुड़ चुका है, तो क्या कहते हैं? सनातन युवा जिधर जो डिमांड करेगा बॉलीवुड भी तो वही करेगा जी। युवा अगर चाह जाएंगे कि हमारे जो गाने वाले पार्श्व गायक है वो भगवान का भजन गाएं, तो देखो आज सबसे ज्यादा पार्श्व गायक भगवान का भजन ही गा रहे हैं। ये तो हम लोगों के ऊपर है और ये होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे यहाँ दिवाली दो मनाई जाया करेंगी, ये निश्चित है। एक तो जो दीपावली होती है वो, और एक जो भगवान राम जो विराजे हैं, इस दीपावली को भी कोई निकाल नहीं पाएगा। ये बड़ी तपस्या और बड़े प्रतिष्ठा, बड़े स्वाभिमान, बड़े गौरव और हमारे सनातन धर्म की का सवाल था, इसलिए अब ये बड़ा आनंद का विषय है।
राष्ट्र न्यूज पर एक उद्देश्य यही था कि राम उत्सव को एक एक तस्वीर के रूप में आप तक पहुंचाएं और महाराज जी ने जो स्मरण के तौर पर जो बातें बताई है वह इतिहास बन चुकी है। लेकिन राम राज आ चुका है, अब मेवाड़ से जो प्रतिनिधित्व किया गया है वह भी इतिहास में दर्ज हो चुका है और भगवान श्री राम के इस उत्सव को अब हम विशेष रूप से दिवाली के रूप में मनाएंगे। जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं, अब हमारे देश में हर वर्ष दो दिवाली हुआ करेगी, लेकिन एक बड़ी बात आज इस इंटरव्यू में महाराज जी ने बोली है, अभी तो ये शुरुआत है, ज्ञानवापी भी होगी, मथुरा भी होगी, लेकिन इंसाफ की बात जरूर होगी। जिस तरह से राम मंदिर से ये शुरू हुआ है कदम, तो अब आगे बढ़ता ही जाना है, ऐसा महाराज जी का कहना है। ऐसा भी आज ये प्रतीत हो रहा है कि अब हमारे समाज में बहुत कुछ बदलते हुए देखा जा रहा है। बस यही है, आपने जो इंटरव्यू का जिक्र किया, तो आप भी धर्म का प्रचार और धर्म के विचार की व्याख्या रखते हैं, तो यहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ तो हमें खड़े रहना ही है, संतों को खड़े रहना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा अपने इस माध्यम से कि हम सभी को सनातन धर्म में आगे आना चाहिए और राष्ट्र के लिए भी और धर्म के लिए भी हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, यही हमारे जीवन का सार्थक था, यही जीवन का आनंद है। तो ये थे महाराज जी, और अगले एक इंटरव्यू में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। रामचंद्र भगवान की जय, बोल पुत्र हनुमान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।